तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 134 ऑफ द रियल सुपर हीरो फैक्ट्स। तो आज मेरे पास आयरन मैन 4 मूवी से लेकर वंडर वुमन रिटर्न इन न्यू डीसीयू, फैंस एंग्री ऑन द फ्लैश और क्रेवन द हंटर मूवी जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग अपडेट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सीक्रेट इन्विजन सीरीज से, जहां आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस सीरीज का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका होगा। जहां एक इंट्रो में बात करते हैं, निक फ्यूरी एक्टर सैमुअल एल जैक्सन ने रिवील किया है कि जब उन्होंने सीक्रेट इन्विजन सीरीज की शूटिंग करना शुरू किया था तब वो इस सीरीज के वन ऑफ द डायरेक्टर थॉमस बेजुचार से मिले थे। पर उनको मिलने के दूसरे ही दिन सैमुअल एल जैक्सन को ये बात पता चली कि थॉमस बेजुचार ने इस शो को छोड़ दिया है। और सैमुअल एल जैक्सन को ये तक पता नहीं था कि उन्होंने थॉमस बेजुचार को ऐसा क्या बोल दिया कि उन्होंने शो से ही क्विट कर दिया। जहां सीक्रेट इन्विजन सीरीज का ये एक नया पोस्टर भी सामने आया है। वही मार्वल्स की अपकमिंग द मार्वल्स मूवी से एक नई प्रमोशनल पोस्टर इमेज सामने आई है। द मार्वल्स की बात हुई है तो सैमुअल एल जैक्सन ने कैप्टन मार्वल एक्ट्रेस ब्री लार्सन को फैंस से उनके कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर और पर्टिकुलरली उनके अपकमिंग रिलीज होने वाली द मार्वल्स मूवी के लिए मिल रहे हेट को डिफेंड करते हुए ऐसा कुछ बोला है, जिसे आप स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो। इसी के साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी से डोनाल्ड ग्रोवर के ट्रैवलर के कैरेक्टर के बिहाइंड द सीन इमेजेस के साथ द स्पॉट के ये कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट इमेजेस सामने आई है, जिनको मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। अगले अपडेट है सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की क्रेवन द हंटर मूवी से रिलेटेड, जहाँ कुछ ही दिन पहले इस मूवी के हिस्से ऑफिशियल पोस्टर के साथ इसका ये एक नया ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। जहाँ इस ट्रेलर को देखकर लगता तो नहीं है कि इसकी स्टोरी कुछ खास होगी, पर सोने वालों ने इसमें ये बात अच्छी की है कि उन्होंने इस मूवी को एक फुल्ली आर रेटेड मूवी बना दिया है। मतलब फैंस को इसमें भर भर के खून खराबा देखने को मिलने वाला है, जो इससे पहले मॉर्बियस और वेनम 2 मूवी में मिसिंग था। मैं इस ट्रेलर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देखकर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। और साथ ही इसके ट्रेलर में से इसके मेन एक्टर्स के ये कुछ फर्स्ट लुक इमेजेस सामने आई है, जिनको मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। वही एक इंटरव्यू में बात करते हुए स्पेक्टाकुलर स्पाइडरमैन स्टार जॉस कीटन ने रिवील किया है कि इनिशियली स्पेक्टाकुलर स्पाइडरमैन शो को 5 सीजन का प्लान किया गया था, जिसके पहले सीजन में पीटर की हाई स्कूल लाइफ को दिखाया जाता और लास्ट सीजन में उसके ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हुए दिखाया जाने वाला था। बट अल्टीमेटली इसको कैंसिल किया गया और पीटर की बाकी की स्टोरी को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। अगले अपडेट की बात करें तो एमसीयू थॉर एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए उनकी डॉटर इंडिया हेम्सवर्थ के एक्टिंग करियर के बारे में बात करते हुए बोला है कि जब उनकी बेटी बड़ी हो जाएगी और वो एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहेगी तो वो बना सकती है, पर अभी के लिए वो चाहते हैं कि थॉर मूवी के बाद उनकी बेटी एक्टिंग करियर को आगे कंटिन्यू ना करके खुद के चाइल्डहुड को एंजॉय करे, जिससे कि वो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को मिस ना करे। मैं भी क्रिस हेम्सवर्थ की इस बात से सहमत हूँ कि छोटे बच्चों को उनका चाइल्डहुड एंजॉय करने देना चाहिए। वही मैंने मेरे एक अपडेट वाली वीडियो में आपको बताया था कि इको एक्ट्रेस एलिका कॉक्स ने इनडायरेक्टली ये हिंट दिया था कि अपकमिंग सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट में एमसीयू का भी एक पैनल होने वाला है। पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंफर्म हो चुका है कि एमसीयू इस साल के कॉमिक कॉन इवेंट में कोई भी पैनल होस्ट नहीं करने वाला, जिस पर कुछ फैंस ने ऐसा कुछ रिएक्शन दिया है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। इसी के साथ डिज्नी के D23 ऑफिशियल आर्टिकल से अभी ये कंफर्म हो चुका है कि सीक्रेट इन्विजन सीरीज में दिखने वाले फ्रेंड्स एक्टर डर्मोट मुलरोनी एमसीयू में यूएस के नए प्रेसिडेंट होने वाले हैं। ये पे आते रॉबर्ट डाउनी जूनियर पे, जहां एक इंटरव्यू में बात करते हुए जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पूछा गया कि क्या अगर एमसीयू में आयरन मैन 4 मूवी बनी तो क्या वो उनके आयरन मैन के कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे कि नहीं, जिस पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इंटरव्यूअर की बात को घुमाते हुए कुछ ऐसा रिप्लाई किया है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि एमसीयू में आयरन मैन 4 मूवी बनेगी कि नहीं, और अगर बनी तो क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर उसमें एज आयरन मैन दिखेंगे कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो अभी कुछ डीसी मूवीज के बारे में बात करते हैं। जहां अभी रिसेंटली रिलीज हुई द फ्लैश मूवी में जॉर्ज रिव के सुपरमैन का कैमियो दिखाया गया था, जहां उनकी सुसाइड करने की वजह से डेथ हो चुकी है। और द फ्लैश मूवी में जॉर्ज रिव के इसी कैमियो को दिखाने की वजह से फैन इससे काफी गुस्सा और डिसअपॉइंटेड है, जहां कुछ फैंस के ट्वीट्स को आप अभी स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो। वो द फ्लैश मूवी के प्रोड्यूसर बारबरा मचेटी ने रिवील किया है कि वो द फ्लैश मूवी में दिखाए गए कैमियोज के साथ और भी कई सारे मल्टीवर्सल कैमियो को दिखाने वाले थे, बट एट द एंड उन्होंने उन सारे कैमियोज को मूवी के फाइनल कट से रिमूव कर दिया। फिर जैसे ही द फ्लैश मूवी रिलीज हुई तो फैंस ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि इस मूवी में एरोवर्स के द फ्लैश सीरीज में जे गैरिक का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर टेडी सियास का कैमियो दिखाया गया है, जिस पर रिएक्ट करते हुए टेडी सियास ने क्लियर कर दिया है कि वो द फ्लैश मूवी में नहीं है और ना ही उनका कोई भी कैमियो इस मूवी में दिखाया गया है। और जिस भी पर्सन को देखकर फैंस ये समझ रहे कि वो टेडी गियर्स है, वो ना होके कोई और ही है। इसी साथ कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक द फ्लैश मूवी के ब्लूरे वर्जन को सितंबर 5 को ऑफिशियली रिलीज किया जाने वाला है। और वही अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस मूवी ने $145 मिलियन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, जहाँ इंडिया में इसने 18 करोड़ का कलेक्शन किया है। आगे बढ़े तो एक इंटरव्यू में बात करते हैं वंडर वुमन एक्ट्रेस
गैल गैडोट ने उनके वंडर वुमन के कैरेक्टर का नए डीसीयू में फ्यूचर पर बात करते हुए बोला है कि बैक एंड में उनके कैरेक्टर के रिगार्डिंग कई सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिनके बारे में फैंस को सही टाइम आने पर पता चल जाएगा। तो उनके इसी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि वो जेम्स गन के नए डीसीयू में भी उनके वंडर वुमन का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। वही मैक्स ने डीसी के फुल लेंथ एनिमेटेड जस्टिस लीग सुपर फ्रेंड्स टीवी शो को उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है। इसी के साथ जेम्स गन ने उनकी सुपरमैन लेगेसी मूवी के कास्टिंग ऑडिशंस के अपडेट देते हुए कुछ ऐसा रिस्पांस किया है जैसे कि आप अब स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। आगे डिमन स्लेयर के सीजन 4 को ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है। तो बस यार आज के लिए बस इतने अपडेट थी पूरे मार्वल डीसी और बाकी हॉलीवुड मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।